आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप खुद को अपने अंदर खुशी और स्पष्टता के क्षण तक लाएं। उस क्षण आप जो निर्णय लेते हैं, चाहे आप मर भी जाएं, आपको वही करना चाहिए। जब भी आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है, आपका मन कई चीजें कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो आज एक बात कहता है, सुबह एक बात, शाम को कुछ और। वो आज एक बात कहता है और कल दूसरी बात, ये कोई महत्व नहीं रखता। स्पष्टता के क्षण में मैं खुशी कह रहा हूं, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप बाध्य नहीं होते। जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं, उस समय अगर आप चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये करना मेरे लिए बेहतर होगा, बस वही करें, फिर चाहे वो नर्क जैसा ही लगे। ये मायने नहीं रखता कि आप 10 साल तक नर्क से गुजरते हैं, आप बस वही करें, क्योंकि आपकी खुशहाली वही है। जब आप बाध्यता के अलग अलग स्तरों पर होते हैं, उस समय अगर आप निर्णय लें कि किधर मुड़ना है, तो आप अंतहीन रूप से खो जाएंगे। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बस आप उसे दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। हर दिन आप ऑफ एंड ऑन रहते हैं तो वो नहीं होता। आप बस दृढ़ रहिए, आप बस एक बिंदु पर टिके रहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप कसाई बनना चाहते हैं तो कसाई बनने पर अटल रहिए, ये खुल जाएगा। एक क्षण के लिए भी ढुलमुल मत बनिए। आपने स्पष्टता और खुशी के क्षण में जो निर्णय लिया है, बस उस पर टिके रहिए, जरा सा भी हिले डुले बिना। उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं इधर उधर उड़ते रहते हैं, आप अपना मन बदलते रहते हैं, आप गोल गोल घूमते रहेंगे, अंतहीन रूप से गोल गोल घूमते रहेंगे, क्योंकि जो अक्सर दिशा बदलता है, साफ है कि उसे कहीं भी जाने में दिलचस्पी नहीं है, है ना? आप जानते हैं कि ये दुनिया गोल है, इसलिए आप किस दिशा में जाते हैं ये मायने नहीं रखता। जब तक कि आप दिशा बदले बिना चलते रहते हैं, आप सफर को पूरा करेंगे, है ना? आप यात्रा पूरी करेंगे, है ना? अगर आप अपनी दिशा बदलते हैं तो ये आपको एक अनंत, हमेशा खोए रहने की एक अंतहीन स्थिति में डाल देगा। तो अगर आप वहां होना चाहते हैं, वहां रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप यहां होना चाहते हैं, यहां रहिए। रोज रोज अपना मन मत बदलिए, सुबह एक ओर, शाम को दूसरी ओर। आप अपने लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए एक यातना है। जो लगातार अपना मन बदलता रहता है, वे अपने और अपने आसपास हर किसी के लिए एक यातना है ना? अभी आप सोच रहे हैं कि कल मैं अपना योग करूंगा, कल सुबह At 5 o'clock in the morning. सुबह 5 बजे सुनते हैं। मैं रोज उसे सुनता हूं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उसे सुनते हैं। जैसे ही वो डोंग होता है, शायद हमें ड्रम बजाना चाहिए। फिर आपका शरीर कहता है, भाड़ में जाए ये योग, मैं बस ये चाहता हूं। वो बदलता रहता है, प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। जीने का एक और तरीका है, जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां, आपके जीवन के सबसे बड़े सुख ऐसे लगेंगे जैसे एक चींटी के सुख की तरह लगेंगे। ये जीव इसमें सक्षम है।
जब बात शरीर और दिमाग की आती है तो हम सभी अलग रूप में सक्षम हैं। दो शरीर बराबर सक्षम नहीं होते, नहीं दो दिमाग बराबर सक्षम होते हैं। लेकिन जब इस जीव की बात आती है तो हर जीव बराबर सक्षम है। अपने भीतर अस्तित्व को समेटने में वैज्ञानिक कहते हैं कि यह लगातार फैल रहा है, उसे कैसे समेटना है, यही सारी सुंदरता है। That which is endless, that which is eternal. जो अंतहीन है, शाश्वत है, जो असीम है और जो लगातार फैल रहा है, उसे इस जीव में समेटा जा सकता है। इस मामले में दो जीव अलग अलग क्षमतावान नहीं होते, हर जीव बराबर सक्षम होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिशा बदलते रहते हैं। जब भी आपको एक छोटा सा कोना मिलता है जो आरामदेह है, आप वहीं रहने की कोशिश करते हैं। This so-called getting civilized has become a... इस सभ्य होने की कोशिश ने आध्यात्मिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह जरूरी नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप नोमैड होते, आप नोमैड का मतलब जानते हैं, इसका मतलब है कि आप मैड नहीं हैं। तो कौन नोमैड नहीं है? जो मैड है, जो मैड यानी पागल है, वो टिक जाता है। जो मैड नहीं है वो चलता रहता है, कहीं भी ठहरता नहीं है। जैसे ही हम नोमैड होना बंद हुए तो हम सुरक्षा और कुशलता के एक पागलपन में पड़ गए, चाहे वो शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या भावनात्मक। हम हमेशा उस कोने की तलाश में रहते हैं जहां हम आराम से सो सकें, और एक बार आपको वो कोना मिल जाता है और वो बहुत बढ़िया और आरामदेह हो जाता है, तो आपके अंदर बाहर निकलने और फिर से यात्रा करने की हिम्मत नहीं होती। तो अगर आप सिर्फ एक पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ठीक है, वो ऐसा ही लगता है जब हम, अगर आप वेलंगरी पहाड़ की चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित दूरी तक चढ़ाई करनी पड़ती है जहां आपके घुटने चटक रहे होंगे और आपकी सांस भाप के इंजन की तरह लग रही होगी, यू नो, स्टीम लोकोमोटिव, फश फुश चल रही होगी। फिर आप चारों ओर देखते हैं और बांस, खूबसूरत चट्टाने, आपके आसपास के बांस और सब कुछ बहुत शानदार लगता है। घाटी इतनी सुंदर है। What is the purpose? एक और कदम उठाने का मकसद क्या है? ये शानदार है बस। आपका दिमाग आपसे कहता है बस यही है। मैं जगह की सुंदरता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं वहां मौजूद होने के सुख पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर अभी ये तर्क आया है, ये नया तर्क आपके अंदर आया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके फेफड़े एक स्टीम इंजन की तरह काम कर रहे हैं और आपके पैर एक जंग लगी बैलगाड़ी की तरह आवाज कर रहे हैं, तो नया तर्क आएगा। क्या आप देखते हैं कि हर बार आप जिन अलग अलग स्थितियों में पड़ते हैं, सुविधा या असुविधा की अलग अलग अवस्थाओं में पड़ते हैं, तो आप एक नया तर्क गढ़ लेते हैं? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? जैसा कि कहा जाता है, जब आप छात्र होते हैं तो हर कोई कम्युनिस्ट होता है। जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी होती है और आपको नौकरी मिलती है, आप समाजवादी बन जाते हैं, और शादी होते ही आप पूंजीवादी हो जाते हैं। आपकी नई स्थितियों, सुविधा या असुविधा के अलग अलग स्तरों के अनुसार
तर्क के नए स्तर आएंगे, तो ऐसा होता रहता है। इसलिए स्पष्टता और खुशी के एक क्षण में जब आप वहां मौजूद होते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं जिसमें आपको अपना कल्याण दिखता है, आप उस पर डटे रहिए। कल आपको वो भयानक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर डटे रहिए। वो नर्क जैसा महसूस हो, आप उस पर डटे रहिए। यही खुशहाली है। अगर आप दिशा बदलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। जीवन बीतता है बूंद बूंद, रिक्त होता है रोज, हाथ से जैसे रेत सरकती जाए वैसे पैर के नीचे की भूमि सरकती जाती, दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि देखने के लिए बड़ी सजगता चाहिए, और इतने धीमे धीमे बीतता है जीवन कि पता नहीं चलता कि हर घड़ी मौत निकट आ रही। जब भी कोई मरता है तो मन सोचता है मौत सदा दूसरे की होती है, मैं तो कभी मरता नहीं, कोई और मरता है, पड़ोसी मरता है, लेकिन हर मौत तुम्हारी मौत की खबर लाती, जो पड़ोसी को हुआ वही तुम्हें भी हो जाने वाला है। आखिरी क्षण तक भी होश नहीं आता, गफलत में, बेहोशी में अपने ही हाथ से आदमी अपने को समाप्त कर लेता है, और जो भी तुम कर रहे हो उसका कोई भी आत्यंतिक मूल्य नहीं है। कितना ही धन कमाओ, कितनी ही पद प्रतिष्ठा मिले, मौत सभी कुछ साफ कर देती, मौत सब मिटा देती। तुम्हारे बनाए सब घर ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं, और तुम्हारे द्वारा तैराई गई सभी नावें कागज की नावें सिद्ध होती, सब डूब जाता है। जिसे ये होश आना शुरू हो गया कि मौत है, उसी के जीवन में धर्म की किरण उतरती। मौत का स्मरण धर्म की प्राथमिक भूमिका है। अगर मृत्यु न होती तो संसार में धर्म भी न होता। मृत्यु है इसलिए धर्म की संभावना है, और जब तक तुम मृत्यु को झुटलाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की किरण न उतरेगी। मृत्यु को ठीक से समझो, क्योंकि उसके आधार पर ही जीवन में क्रांति होगी। तुम्हें अगर पता चल जाए आज सांझ ही मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इस पता न चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे, क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जगेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो, और तुम जो हो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सिवाय दुख के और तुम्हारे होने से कुछ भी फल नहीं आता। फल लगते हैं निश्चित,
केवल दुख के लगते हैं। फल लगते हैं निश्चित, तुम्हारी आशाओं के अनुकूल नहीं, न तुम्हारे स्वप्नों के अनुसार। फल लगते हैं तुम्हारी आशाओं के विपरीत, तुम्हारे सपनों से बिल्कुल उल्टे। जीवन के अंत में सिर्फ राख छूट जाती है हाथ में, और एक विषाद और एक गहन पीड़ा के एक और अवसर खो गया। इसलिए तो मरते वक्त लोग इतने दुखी और पीड़ित मरते हैं। अन्यथा अगर जीवन की चरितार्थता उपलब्ध हुई हो और जीवन की धन्यता को जाना हो और जीवन एक गीत बन गया हो, जिसे कबीर कहते हैं सुमरण बन गया हो, एक याददाश्त कि मैं कौन, तो मृत्यु तो एक महोत्सव हो जाएगी, क्योंकि वो तो सारे जीवन की परिपूर्णता है, वो तो सारे जीवन का निचोड़ सार है। तब मृत्यु मृत्यु न होगी, महाजीवन में प्रवेश हो जाएगी। जो जान के जीता है उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है, जो अनजान जीता है उसका जीवन भी मृत्युवत है। जो होश से जीता है वो मरता ही नहीं, जो बेहोशी में जीता है वो कभी जीता ही नहीं, उसका जीवन एक प्रवंचना है। और स्वभावतः जिनके बीच तुम पैदा हुए हो वे ऐसे ही मुर्दे हैं, और उनके पीछे ही तुम चल रहे हो। कबीर कहते हैं पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, लोगों के पीछे चला जा रहा था, जहां लोग जा रहे थे वहीं मैं चला जा रहा था, उनका अनुसरण कर रहा था। इस बात को बिना सोचे कि वे उतने ही अंधे हैं जितना मैं हूं, बिना यह सोचे कि इस सारी भीड़ का क्या अंत होता है, आदमी भीड़ के साथ चलता है। बड़े गहरे कारण है वो समझ लेने जरूरी। समाज व्यक्ति का शत्रु है, समाज तुम्हें भेड़ों की भांति चाहता है, व्यक्तियों की भांति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ही बगावत का स्वर शुरू हो जाता है, व्यक्ति के साथ ही होश। और जैसे ही होश की पहली किरण उतरी कि व्यक्ति अपने मार्ग को खोजने में लग जाता है, फिर वो भीड़ के पीछे नहीं चलता। कितना ही सुंदर राजपथ हो, कितना ही साफ सुथरा हो, कंटका कीर्ण ना हो, फिर भी वो भीड़ की पीठ के साथ नहीं चलता, वो अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। होश जैसे ही आया कि तुम समाज से टूट जाते हो, तुम पहली दफा स्वयं होते हो, और स्वयं होने में बगावत है, विद्रोह है, क्रांति, इसलिए कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति को। जन्म की पहली क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से तुम्हें तोड़ता है। तुम कहीं आत्मवान न हो जाओ, क्योंकि तुम अगर आत्मवान हुए तो समाज का नियंत्रण तुम पर ना हो सकेगा। अब तक किसी आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर सका, सिर्फ मुर्दों को काबू में रख सकता है। जिंदा व्यक्ति एक आग है, उसे हाथ में बांध के रखना आसान नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकते। तुम जिंदा व्यक्ति को कारागृह में डाल सकते हो, लेकिन कैदी नहीं बना सकते। तुम जंजीरें पहना सकते हो, लेकिन तुम उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। उसकी स्वतंत्रता आंतरिक है, होश की स्वतंत्रता है। इसलिए सभी समाज बिना किसी अपवाद के, चाहे वे पूंजीवादी हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे साम्यवादी हों, सभी समाज व्यक्ति के दुश्मन हैं। और समाज में होने वाली कोई भी क्रांति वास्तविक क्रांति नहीं है, धोखा है। चाहे फ्रांस में हो, चाहे रूस में, चाहे चीन में, सभी क्रांतियां धोखे हैं, क्योंकि क्रांति कुछ भी करती नहीं, समाज के एक ढांचे को दूसरे ढांचे से बदल देती है। एक गुलामी की जगह दूसरी गुलामी आ जाती है, और स्वभावतः दूसरी गुलामी पहली गुलामी से अक्सर ज्यादा ताकतवर सिद्ध होती, क्योंकि नई होती,
पुरानी गुलामी जरा जीर्ण हो गई होती, उसमें से छेद होते हैं निकलने के बाहर, उसकी दीवारें गिर गई होती हैं, उसके द्वार दरवाजे कमजोर हो गए होते हैं, उसके पहरेदार शिथिल हो गए होते हैं, कारागृह का मालिक आश्वस्त हो गया होता है कि सब ठीक चल रहा है, सो जाता है। नई गुलामी पुरानी गुलामी से हमेशा ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि कारागृह नए बनते हैं, द्वार दरवाजे मजबूत बनते हैं, और नए समाज की व्यवस्था जानती है कि जिस तरह हमने पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया, कोई दूसरी बगावत इस व्यवस्था को न तोड़ दे। इसलिए नई व्यवस्था पुरानी से ज्यादा कुशल होती। जार के जमाने में रूस में जितनी आजादी थी, उतनी स्टालिन के जमाने में न रही, और चांगकाई सेक के साथ चीन में जितनी स्वतंत्रता थी, उतनी माओ के साथ न रही। गर्दन और कस जाती, क्योंकि क्रांति असली क्रांति से बचाव करने की व्यवस्था है। असली क्रांति सिर्फ एक है कि व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाए। मुक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि समाज में नियम है कि रास्ते पर बीच में मत चलो तो वो बीच में चलने लगे, वो तो मूढ़ता होगी, मुक्ति ना होगी। मुक्त हो जाने का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छंद होगा वो समझा ही नहीं। स्वच्छंदता तो गुलामी की ही उल्टी तस्वीर है। स्वतंत्रता न तो स्वच्छंदता है और ना गुलामी, वो दोनों के मध्य में एक परम जागरण है। वैसा व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं होता, पर वैसा व्यक्ति समाज की छाया भी नहीं होता। जहां तक समाज की गौण व्यवस्था का संबंध है, वो हमेशा राजी होता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। रास्ते पर नियम है भारत में कि बाएं चलो, अमेरिका में कि दाएं चलो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे दाएं चलो चाहे बाएं चलो, एक बात तय है कि सभी लोग एक ही तरफ चलें, ताकि रास्ते पर सुविधा रहे। बाएं चलने से भी काम चल जाता है, दाएं चलने से भी काम चल जाता है, लेकिन सभी लोग बाएं दाएं इकट्ठा चलने लगे तो काम ना चलेगा, तो अड़चन होगी। ये गौण नियम है, ये कोई शाश्वत नियम नहीं है, और न इनमें कोई नीति है, और न कोई इनमें परमात्मा का हाथ है, हस्ताक्षर है, समाज की सुविधा है। स्वतंत्र व्यक्ति समाज की सुविधा में बाधा नहीं डालता, सहयोगी होता है, लेकिन समाज की सुविधा के लिए अपनी आत्मा को खोने को राजी नहीं होता। जहां तक बाएं दाएं चलने का सवाल है, बिल्कुल राजी होता है, लेकिन जहां समाज आग्रह करता है कि तुम अपनी आत्मा ही खो दो, वहां वो उस आग्रह को ठुकरा देता है। लेकिन समाज को उससे कोई बाधा भी नहीं आती, क्योंकि आत्मा कोई रास्ते का ट्रैफिक नहीं है। वहां तुम बिल्कुल अकेले हो, वहां दूसरा है ही नहीं, इसलिए वहां समाज के नियमन की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन समाज को खतरा है, खतरा यह है कि आत्मवान व्यक्ति दबाया नहीं जा सकता, आत्मवान व्यक्ति झुकाया नहीं जा सकता, और आत्मवान व्यक्ति संक्रामक होता है, जो और भी बड़ा खतरा है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मवान होता है, उसके आसपास हवा फैलने लगती है आत्मवत्ता की, भगवत्ता की, दूसरे लोग भी आत्मवान होने लगते हैं। और अगर बहुत लोग रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते और पगडंडियां खोजने लगे, तो वो जो राजपथ का बल है वो टूट जाता है, समाज निर्बल हो जाता, क्योंकि आत्मवान व्यक्ति मौलिक रूप से अराजक होता है, स्वच्छंद नहीं, लेकिन वो कोई शासन पसंद नहीं करता। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि जब अब मैं हरि ही हो गया तो किसके सामने सिर झुकाना। आत्मवान व्यक्ति एक दिन पाता है कि वो स्वयं परमात्मा है, अब कैसे सिर झुकाना, कहां झुकाना, क्यों झुकाना? इसलिए नहीं कि वो कोई अहंकारी है, नहीं, आत्मवान तो होता ही तब जब अहंकार खो जाता है, नहीं, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं जहां सिर झुकाना। सिर झुकाने वाला भी नहीं बचा, सिर भी नहीं बचा, सब खो ही गया है। तो ना तो राज्य पसंद करता है आत्मवान व्यक्ति को, ना तुम्हारे तथाकथित धर्म पसंद करते हैं आत्मवान व्यक्ति को, क्योंकि मंदिर मस्जिद वो छोड़ देगा, कहां सिर पटकना? आदमी की बनाई हुई मूर्तियों के सामने सिर पटकने से होगा भी क्या?
वो गुलामी के जाल है जो समाज ने सब तरफ फैला रखे। कारागृह भी उसी का कारागृह है, और जिसे तुम मंदिर कहते हो वो भी उसी का कारागृह है। जिसको तुम पुलिस का आदमी कहते हो वो भी समाज का नौकर है, और जिसको तुम पुजारी पुरोहित कहते हो वो भी समाज का उतना ही नौकर, वो दोनों ही पुलिस वाले। एक तुम्हारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है, दूसरा तुम्हारी आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तुम छूट ना जाओ, और जैसा मैंने कहा जन्म के पहले क्षण से समाज का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है तुम्हें मारने का। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि समाज मौजूद है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नवीनतम खोजें कहती हैं विज्ञान की कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सारी दुनिया में दाइयां डॉक्टर नर्सेस बच्चे की नाल को तत्क्षण काट देते हैं। और नवीनतम विज्ञान की शोधें कहती हैं कि बच्चे की नाल को तत्क्षण काटना सदा के लिए उसे कमजोर बना देना है, सदा के लिए वो कभी बलवान ना हो सकेगा, और सदा उसकी ऊर्जा क्षीण प्रवाह की होगी। उसके पीछे कारण है, मां के पेट में बच्चा श्वास खुद नहीं लेता, नाभि से जुड़े नाल से मां ही उसके लिए श्वास लेती है। मां की श्वास पर ही बच्चा जीता है। बच्चे का हृदय धड़कता है लेकिन बच्चा स्वयं श्वास नहीं लेता, श्वास ऑक्सीजन वायु प्राण नाभि से भीतर जाते हैं। वो बच्चे की व्यवस्था है मां के पेट में कि वो मां का एक अंग है, मां का अंग होके जीता है। जैसे ही बच्चा मां के पेट के बाहर आया, एकदम से श्वास नहीं ले सकता क्योंकि नए यंत्र को चलने में थोड़ा वक्त लगेगा, भीतर एक बड़ी रूपांतरण घटेगा। अभी तक नाभि से सांस ली थी, अब नाक से सांस लेगा, एक नई व्यवस्था शुरू होगी। इसमें कोई 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं, लेकिन हम बच्चे की नाल तत्क्षण काट देते हैं, जबकि बच्चा मां से अभी नाल के द्वारा सांस ले ही रहा था। 5-7 मिनट में रूपांतरण हो जाएगा, बच्चा सांस लेने लगेगा, उसका हृदय फड़कने लगेगा, तब तुम नाल को काटना, क्योंकि अब बच्चा स्वयं अपनी ऊर्जा को पाने लगा। ज्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट का ही मामला है, लेकिन धैर्य नहीं है समाज को। बड़े से बड़े अस्पताल में कुशल से कुशल डॉक्टर के नीचे भी वही हो रहा है जो गैर कुशल दाई गांव में कर रही, बेपढ़ी लिखी दाई गांव में कर रही। उनके काटने के ढंग बदल गए हैं, दाई बेहुदे ढंग से काटती है, उसके पास उतने कुशल औजार नहीं। डॉक्टर बड़ी कुशलता से काटता है, उसके पास सुविधा संपन्नता है, सारे कुशल औजार हैं, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। जैसे ही तुम नाल काट देते हो, सारे बच्चे का जीवन तंत्र कपकपा जाता है, हड़बड़ा जाता है, और इसलिए बच्चा रो उठता है, चीखता है, क्योंकि एक नई सांस की व्यवस्था उसको लेनी पड़ती है। घबराहट से सांस लेता है, और पहली सांस जिसने घबराहट से भय से कंपन से ली हो, उसके जीवन भर भय और कंपन प्रविष्ट हो जाएगा, क्योंकि श्वास जीवन है, भय पहली ही श्वास से जुड़ गया। अब पूरे जीवन यह भयभीत आदमी होगा। 5 मिनट रुका जा सकता है, 5 मिनट के बाद अपने आप नाभि से जुड़ा हुआ नाल और उसका कंपन बंद हो जाता है। 5 मिनट तक कंपन जारी रहता है क्योंकि धड़कन जारी रहती, श्वास जारी रहती। 5 मिनट में नाल अपने आप बंद हो जाती है, प्रकृति के द्वारा ही उसका कंपन बंद हो जाता है, उसकी गर्मी और ऊर्जा खो जाती है, यंत्र बदल गया। अब तुम काट सकते हो, अब तुम मुर्दा चीज को काट रहे हो। 5 मिनट पहले तुम जिंदा चीज को काट रहे थे, और तुमने बच्चे को पहला धक्का दे दिया, और बच्चा बहुत कोमल है, अति कोमल है। 9 महीने मां के पेट में उसने कोई कष्ट नहीं जाना, कोई पीड़ा नहीं जानी, किसी तरह का दुख नहीं जाना, एकदम स्वर्ग से अदन के बगीचे से बाहर आ रहा है, और तुमने उसे पहला धक्का दे दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये जो धक्का है ये सारी दुनिया को कमजोर बनाए हुए है। डॉक्टर को जल्दी है,
शायद वो कहेगा कि 25 और बच्चे होने वाले। हड़बड़ाहट है, बेचैनी, उसका खुद मन तना हुआ है और उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। अब तो ये अचेतन का हिस्सा हो गया कि बच्चा पैदा हुआ, नाल काट दी। जन्म की पहली घड़ी से भय समाविष्ट हो गया, अब तुम्हें कोई भी डरा सकेगा, अब तुम्हें कोई भी चीज डरा सकेगी। पुलिस का डंडा डरा सकेगा, पुरोहित की आवाज डरा सकेगी कि नरक चले जाओगे। अब तुम्हें कोई भी प्रलोभित कर लेगा, क्योंकि प्रलोभन भय का ही दूसरा रूप है। और ये चलती है समाज की व्यवस्था अंतिम क्षण तक, आखिरी दम तक। तुम जीना चाहो तो भी तुम स्वतंत्र नहीं, हस्तक्षेप। तुम मरना चाहो तो भी हस्तक्षेप, मरने की स्वतंत्रता नहीं। यूरोप और अमेरिका में जहां चिकित्सा ने बहुत विकास कर लिया, लाखों लोग अस्पतालों में पड़े जो मरना चाहते, जो सरकारों को आवेदन करते हैं कि हम मरना चाहते। कोई 100 साल के करीब पहुंच गया है, जीवन जी लिया गया, जो जानना था जान लिया, जो भटकना था भटक लिया, जो देखना था देख लिया। अब ना कुछ देखने को बचा, ना जानने को, ना अब कोई जीने में रस रह गया। लेकिन डॉक्टरों को आज्ञा नहीं है किसी को मरने में सहायता देने की। न केवल यही, बल्कि डॉक्टरों को आज्ञा है कि जब तक बन सके आदमी को जिंदा रखने की कोशिश करें। तो लोग टंगे हैं अस्पतालों में, टांगे बंधी हैं, हाथ बंधे हैं, ऑक्सीजन की नली लगी है, ग्लूकोज दिया जा रहा है, न उन्हें ठीक से होश है, न जीवन जैसी कोई चीज बची है। वो मरना चाहते हैं क्योंकि ये पीड़ा है, लेकिन मरने की किसी दुनिया के कानून में आज्ञा नहीं है। मरने की भी तुम्हें आजादी नहीं है। तो पश्चिम में एक नया आंदोलन चल रहा है, आत्म मरण की स्वतंत्रता का आंदोलन, अथनासिया उसको वो कहते हैं, कि जो लोग मरना चाहते हैं दुनिया में कोई उन्हें रोकने के किसी को हक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जिंदगी मेरी है, मैं मरना चाहता हूं, मरने की आज्ञा नहीं। अगर अपने को मारने की कोशिश में पकड़े गए तो सरकार तुम्हें मार डालेगी, मगर तुम्हें आजादी नहीं। ये बहुत मजे की बात है। अगर मैं चला जाऊं और पहाड़ से गिर के मरने की कोशिश कर रहा हूं और पकड़ लिया जाऊं तो सरकार मुझे फांसी देगी, क्योंकि मैंने गलत काम करने की कोशिश की। मैं भी यही काम कर रहा था, लेकिन उसमें स्वतंत्रता निहित थी। वो आज्ञा तुम्हें नहीं है, वो सरकार करे तो ठीक है, तुम करो तो नहीं। क्योंकि अगर मरने की तुम्हें आजादी हो जाए तो तुम जल्दी ही जीने की आजादी भी मांगोगे। वो संयुक्त है, दोनों आजादियां तुम्हें दी नहीं जा सकती। पैदा हुआ बच्चा की समाज की पूरी चेष्टा है कि वो समाज का अनुकरण करे, अनुसरण करे, पीछे चले, हमेशा आगे देख ले कि कोई पीठ है या नहीं। अगर कोई पीठ ना हो तो ठिटक के खड़ा हो जाए, खतरा है, गलत रास्ते पे जा रहा हूं। जब तक आगे पीठ दिखाई पड़ती रहे तभी तक रास्ता ठीक है। ये कबीर के वचन बड़े अनूठे हैं। कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, समाज यानी लोक और वेद यानी शास्त्र, दो के पीछे चला जा रहा था, पीठ भर दिखाई पड़ रही थी, पीछे से धक्के थे, आगे पीठ थी। एक भीड़ चली जा रही, बड़ी भीड़ है, कोई 4 अरब आदमी जमीन पर, भारी भयंकर प्रवाह चल रहा है। तुम्हारी छोटी सी लहर की किसको चिंता है, भयंकर तूफान है, बड़ी लहरें उठ रही हैं और भागी जा रही, तुम भी पीछे लगे चले जा रहे हो। सोचते हो कि जब तक पीठ दिखाई पड़ती है सब ठीक ही होगा। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा पी के मधुशाला से निकला, ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा था कहां जाए। बामुश्किल तो मधुशाला के नौकरों ने उसे अपनी कार तक पहुंचाया, बामुश्किल आधा घंटे मेहनत करके किसी तरह उसने चाबी कार में लगाई,
फिर किसी तरह गाड़ी को पुरानी आदतवश चला भी लिया, लेकिन तब सवाल उठा कि जाना कहां है, घर कहां है, ये गांव कौन सा है। बड़े दार्शनिक सवाल उठने लगे। तब एक ही उपाय था कि किसी के पीछे हो लो। तो कोई उपाय नहीं, जाना कहां है, आ कहां से रहे हैं, कौन है, कहां घर है, यही तो चिंता है सारे मनुष्यों की। सीधा सुगम उपाय है किसी के पीछे हो लो। एक कार के पीछे हो लिया, प्रसन्न था, अब सब ठीक है, कहीं जा रहे हैं, और न केवल धीमी गति से जा रहे हैं, बड़ी तेज गति से जा रहे हैं। चित्त प्रसन्न था, और क्या चाहिए, गति चाहिए, जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज गति से जा रहे हैं। और जो होना था वो हुआ, आखिर में जाके वो उस कार से टकरा गया। तो उसने चिल्ला के कहा कि क्या मामला है, इशारा क्यों नहीं दिया कि गाड़ी खड़े करते हो। उस आदमी ने बाहर सिर निकाल के कहा कि अपने ही गैरेज में, इशारा देने की जरूरत है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, वही गति तुम्हारी है, किसी के पीछे लगे जा रहे हो। पीछे इसलिए नहीं लगे हो कि जो जिसके पीछे लगे हो वो जानता है, पीछे सिर्फ इसलिए लगे हो कि तुम नहीं जानते हो कि कहां जाना है। और जब तुम नहीं जानते हो तो तुम किसी के भी पीछे लगो कैसे पहुंच जाओगे। और तुम थोड़ा ये भी तो विचार करो कि वो दूसरा भी किसी के पीछे लगा है। तुम अपने पिता की मान रहे हो, तुम्हारे पिता उनके पिता की मानते रहे, उनके पिता उनके पिता के मानते रहे, तुम थोड़ी यात्रा करो पीछे की तरफ, तो तुम पाओगे कि सभी लोग एक दूसरे के पीछे लगे, और कौन कहां पहुंचता है। इस जगत में थोड़े से लोग कहीं पहुंचते हैं, वे ही लोग हैं जो किसी के पीछे नहीं चलते। बुद्ध कहीं पहुंचते हैं क्योंकि लोगों के पीछे नहीं चलते। बेहतर है ना चलना, बेहतर है बैठ जाना, बेहतर है निश्चित कर लेना ठीक से कि जाना भी है या नहीं, साफ हो गंतव्य, तो थोड़ी ही यात्रा है मंजिल तक। गंतव्य का ही पता ना हो, अपना भी ठौर ठिकाना ना हो कि कौन हूं, इसका भी कोई पक्का पता ना हो कि जाना भी है या नहीं जाना या कहां जाना है, तब तुम किसी के पीछे लग के कितने ही चलते रहो, तुम्हारी यात्रा कोल्हू के बैल की यात्रा सिद्ध होगी। चलोगे बहुत, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। चलोगे बहुत क्योंकि गोल घेरे में चलते सकते हो जितना चलना चाहो। थकोगे रोज, सांझ थक के फिर गिर जाओगे, सुबह उठ के फिर लोक वेद के साथ हो जाओगे। लोक मौजूद भीड़, और वेद जो भीड़ जा चुकी, मुर्दों की भीड़। दो भीड़ें तुम्हें घेरे हुए, जिंदा तो तुम्हें पकड़े हुए हैं, जो मर गए उनके हाथ भी तुम्हारी गर्दन पे। वेद का अर्थ है जो अब नहीं है, उनके वचन तुम्हें सता रहे, उनको तुम छाती से लगाए बैठे हो। जरूर उन्होंने कुछ जाना होगा, जरूर उन्होंने कुछ पहचाना होगा, लेकिन दूसरे की आंख से देखे गए दृश्य तुम कैसे देख सकते हो। और दूसरे ने जो भोजन किया उससे तुम्हारी भूख की तृप्ति ना होगी। और जल की कितनी ही चर्चा चले, इससे कहीं किसी की प्यास कभी बुझी। कोई तुम्हें बिल्कुल लिख के ही दे दे जल का सूत्र H2O, तुम उस कागज को लिए जिंदगी भर घूमते फिरो तो भी कंठ की प्यास उससे ना बुझेगी। तुम उस कागज के मंत्र को घोल के पी जाओ तो भी तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। H2O से प्यास नहीं बुझती। H2O यानी वेद। जिन्होंने जाना उन्होंने सूत्र लिख दिए, लेकिन किसी सूत्र में उनका ज्ञान समाविष्ट नहीं होता। कोई सूत्र जो उन्होंने जाना है उसे प्रकट नहीं कर सकता। कोई शब्द सत्य को प्रकट करने में समर्थ नहीं। यही फर्क है सदगुरु और वेद में। वेद सदगुरुओं के वचन है, लेकिन सदगुरु जा चुका,
अब खाली वचन रह गए। ऐसा समझो कि सांप तो जा चुका, उसकी खोल पड़ी रह गई। ऐसा समझो कि बुद्ध तो जा चुके, उनके चरण चिन्ह रेत पर बने रह गए, तुम उन चरण चिन्हों पर सिर रखे पड़े हो। जीवित भीड़ से सावधान होना जरूरी है, जो अब नहीं रहे उनकी भीड़ से भी सावधान होना जरूरी है। वस्तुतः जो नहीं रहे उनकी पकड़ और भी गहरी है, क्योंकि वे तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ते। उनसे तुम बचना भी चाहो तो कहां जाओ, वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर। हिंदू पैदा होते से ही वेद की पूजा में लग जाता है, मुसलमान पैदा होते से कुरान को रटन में लग जाता है, जैन पैदा होते से महावीर को कंठस्थ कर लेता है। अब ये जो लकीरें छूट गई हैं जमीन पर,